दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हिम तक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आचार संहिता के चलते हुए अभी बहुत सी वैकेंसी जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भरने की जिनको घोषणा की गई थी और अब आचार संहिता लग चुकी है, इसके चलते वो वैकेंसी नहीं भर पा रही है। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो पढ़ते होंगे और एक जिनका मकसद है कि जॉब पानी है, और जॉब पाने के लिए आपको पता है वैकेंसी निकलेगी तभी आप जॉब पाएंगे, बिना जॉब के और बिना रिक्रूटमेंट के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो कौन सी वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में जो भरी जाएंगी, तो उस पर हम आज आपको जानकारी इस चैनल हिम तक के जरिए दे रहे हैं। आशा करता हूँ आप हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और जो भी जानकारी है अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सी वैकेंसी है जो भरी जाएंगी। तो आचार संहिता हटते ही खोलेंगे नौकरी के द्वार, ये पद भरे जाएंगे। मेंस के जितने भी वैकेंसी है जिनको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है कि ये वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में भरी जानी है। हुआ क्या, एकदम आचार संहिता लग गई, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग और होनी थी, परंतु एकदम जब अचानक फिर आचार संहिता का घोषणा कर दी गई तो वो ना फिर वो कैबिनेट की मीटिंग हो पाई और ना ही कोई और किसी को बताने का मौका मिले। बात करेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का ये जो राजस्व विभाग है, इसमें निकलेगी वैकेंसी पटवारी की। पोस्टों की संख्या क्या है वो हम आपको बताएंगे और उसके साथ साथ ही हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वो आपने ज़रूर चेक करना है। पूरी जानकारी ही आपको उसमें भी हमने दे दी है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हिंदी में आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। आपको जो भी जानना है उसकी जानकारी आप ऑनलाइन वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब विभाग का नाम होगा जो पहली पोस्ट है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये पटवारी की पोस्ट है भरी जानी है। पटवारी की पोस्ट है भरी जाएंगे, तो पद का नाम है पटवारी और विभाग है हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। सिलेक्शन किस प्रकार से होता है ये इंटरेस्टिंग होगा देखना भी कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। जिस प्रकार से पहले होता है उसी प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होगा या फिर कुछ इसमें चेंजिंग होगी, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर ड्राइवर और क्लर्क के पद भरे जाएंगे। 500 से 1000 तक पोस्टें भरी जाएंगी और इसको भरने के लिए बहुत बार आपने सुना होगा कि ये पोस्टें भरी जाएंगी। मैंने भी आपको जानकारी दी थी कि कंडक्टर और ड्राइवर की जो पोस्ट है ये भरी जानी, योग्यता इसके लिए चाहिए 10वीं और 12वीं पास। तो बहुत सी पोस्टें होगी जैसे क्लर्क हो गए उनके लिए प्लस टू पास हो गए, ड्राइवर के लिए 10th पास होगी, तो ये पोस्टें अभी इलेक्शन के बाद भरी जाएंगी। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। अब जो मैंने आपको बताया कि ये पटवारी की पोस्ट निकली है, तो ये मैंने आपको पोस्टें शो नहीं की है, परंतु बेस में आपको शो कर देंगे हम। और उसके साथ अगर आप वेबसाइट पर जानना चाहते हैं तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सेकंड हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की है, मैंने आपको बता दी ड्राइवर कंडक्टर और क्लर्क की पोस्ट ये भरी जाएगी। एक्सपीरियंस आपको इसमें होना चाहिए, वो आप अगर आपके पास नहीं है तो अभी 1 से 2 महीने का आपके पास टाइम है इन वैकेंसी को निकलने में। और चार संहिता के निकलते हैं, निकलने के बाद भी अगर सरकार नहीं बनी या कुछ भी अगर चेंजिंग इसमें होती है, हो सकता है कि अगर सरकार अगर की मंशा सही रही तो फिर ये पोस्ट बहुत जल्द भरी जाएंगी। अगर मंशा सही नहीं है तो फिर हो सकता 2023 तक भी ये भरी जा सकती है, भी हम आपको पहले ही क्लियर कर रहे हैं। परंतु जो अभी ज़रूरत है वही पोस्टें भरी जाएंगे, बाकी आपको ऐसा है तो नहीं कि उसमें कि आपकी बेरोज़गारी ख़त्म करनी इसलिए वो पोस्टें भरी जा रही है। बेरोज़गारी सिर्फ जितने पद खाली है उन्हीं की करनी है बेरोज़गारी ख़त्म, ठीक है। तो पटवारी के लिए जो इसकी पोस्ट थी इसके लिए मैंने आपको बता दी क्वालिफिकेशन चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो पटवारी का, क्योंकि PDF में हमने कन्वर्ट किया तो आगे पीछे इसमें पेज हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग इसमें जो पटवारी की पोस्ट होगी इसके लिए योग्यता जो है वो 12वीं पास होगी। और उसके बाद हमीरपुर चयन बोर्ड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का नाम आपने सुना होगा, पोस्ट कोड 727, जिस पर बहुत से लोग कमेंट करते हैं आज भी, और आप में से बहुत से लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि क्या ये वैकेंसी इसका एग्ज़ाम कब है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी। और गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ ये बात, हमने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाली थी कि जब ये वैकेंसी वापस की गई थी तो इसको प्रशासनिक कारण बताया गया था, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इस चैनल में वीडियो लिस्ट हिम तक पर आप देख सकते हैं। तो आपको बताया था कि प्रशासनिक कारण की वजह से इस वैकेंसी को वापस ले लिया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। अब मेन जो इसमें विभाग का नाम मैंने विभिन्न लिखा हुआ है, तो आप सोच रहे होगे कि विभिन्न क्यों किया मैंने, तो ये इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है जूनियर ऑफिस
एसटेंट की भरी जानी थी। बहुत से डिपार्टमेंट है जिनमें इनकी अपॉइंटमेंट होगी। मान लो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर ज़रूरत है तो वो वहाँ पर उनका सिलेक्शन होगा। और जिस प्रकार से निकली थी वो आपको पता है कि कितने डिपार्टमेंट उसमें सिलेक्शन होना था, कितने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी दी हुई, तो इस हिसाब से वैकेंसी भरी जानी थी। अब इसके इस वापस लेने के कारण जो था वो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो डिप्लोमे किए हुए थे आप लोगों ने या कंप्यूटर कोर्स जो भी, तो उनके चलते फिर डाउटफुल था, क्योंकि आपको पता प्राइवेट इंस्टीट्यूट का काम ही एक प्राइवेट हर चीज़ जो आज अब सरकारी भी एक बिजनेस बन चुका है। सरकारी चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो सरकारी एक हो या प्राइवेट हो, बिजनेस बन चुका है, वो पब्लिक के नाम पर बिजनेस चलाए जा रहे हैं। ये गारंटी के साथ मैं हिमतक के चैनल के जरिए आपको बता रहा हूँ बात कि हर चीज़ बिजनेस बना हुआ है। तो बिजनेस बना हुआ है और बिजनेस में आपको क्या होता है कि आपको सिर्फ एक कागज़ दिया जाता है, आपके पास नॉलेज है नहीं है वो आपको पता है। आप मान लो कि एक साल के बाद सिर्फ डायरेक्ट उधर पेपर दिया, वो भी पेपर जो आपको एग्ज़ाम सेट जो दी जाती है वो पता लगा सोल्व करके आपके हाथ में दे दी जाती है और बोलते हैं कि इसको भर दो और जो भी सही गलत है इसको टिक मार्क करो और आपका सिलेक्शन, आपको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी। तो इस डाउट को देखते हुए फिर प्रशासन ने ये निर्णय लिए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जितने भी इस प्रकार के कोर्स हुए हैं पहले वो वैलिड नहीं होंगे। उसको लेकर 2017-18 में एक न्यूज़ छपी थी, मैंने आपको बताया भी था उसके बारे में, वायरल न्यूज़ के बारे में। तो उस प्रकार से वो भी डाउटफुल है क्योंकि बहुत से लोग थे इसलिए इस पोस्ट के लिए जानना चाहते थे। तो मैं इसलिए आपको डिटेल से सब कुछ इसमें बता रहा हूँ कि उसकी स्टोरी क्या थी और क्यों वो पोस्ट है वापस ले ली गई थी। तो प्रशासन ने कारण बताया था और अब जो इसमें मेन था कि ये इसका एग्ज़ाम होगा या फिर दोबारा से ये पोस्ट निकलेगी। तो जब हमने इसकी जानकारी ली तो सिर्फ इतना बताया गया था कि फीस उसकी वापस नहीं होगी, परंतु जो जिन लोगों ने भर दिया है जब ये वैकेंसी दोबारा निकलेगी तो उनको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो मैंने भर दिया इसमें, अब सोचने वाली बात है एक नॉर्मली सी, मान लो मैंने भर दिया इसके लिए, फिर उसके बाद पता लगा कि मेरा जो डिप्लोमा, एग्जांपल दे रहा हूँ एक, मान लो मैंने भर दी और मेरा डिप्लोमा जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का था, ठीक है, क्योंकि जब निकाली गई थी तो उसमें रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी लिखा गया था, मीन्स की सरकारी या मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो, ठीक है, तो वो सब कुछ उसमें लिखा गया था। अब उसमें बताया जा रहा है कि फीस हम वापस नहीं करेंगे, परंतु जब ये वैकेंसी द्वारा से इसको निकालेंगे हम तो फिर ये आपको भरी की भरी मिलेगी, आपकी जो यूजर नेम आईडी होगी। अब सोचने वाली बात है अगर ये भरी की भरी मिलेगी तो फिर वो पोस्ट वापस क्यों लेगी थी। निर्णय हालांकि उस पर अभी तक हुआ नहीं कि प्राइवेट के वैलिड होगी उसमें या नहीं होगी। तो ये स्टोरी है इसकी। बाकी अगर आपको ये 727 पोस्ट कोड था इस पर, इसलिए हमने आपको जानकारी दी है। बात करते हैं अब अगली पोस्ट की, तो ये हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के, मैंने आपको बता दी पदों की संख्या कितनी है। अब जो मेन था कि आईपीएस विभाग में ये वेरियस वैकेंसी जो है भरी जानी है, बहुत सी वैकेंसी है, 1300 से प्लस वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। पर इसमें होगा कि एक कंडीशन जो इसकी मैं वो आपको पहले क्लियर कर देता हूँ इस चैनल के जरिए। इसमें जो वैकेंसी भरी जाएंगी हिमाचल प्रदेश आईपीएस डिपार्टमेंट में, विभाग में वैकेंसियों की संख्या बहुत है और बहुत से दोस्त हमारे जो यूट्यूब चैनल हिमतक पर जुड़े हो वो कमेंट कर रहे थे कि बहुत सी जगह है जहाँ पर उनको, मैंने आपको बताया था, आउटसोर्स पर रखे जाएंगे, आउटसोर्स पर अपॉइंटमेंट कर दी गई है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में तो आप पता कर सकते हैं, अभी तो आपको क्या पता करना है, परंतु जब आचार संहिता हटेगी तो उसके बाद फिर उस पर एक नोटिफिकेशन भी आएगी, क्योंकि जो टेंडर प्रक्रिया पर आईपीएस चल रहा था पहले वो अब ख़त्म हो चुकी है। जहाँ पर पोस्टें खाली होती है वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रही थी अभी इलेक्शन से पहले, अब आचार संहिता लग चुकी है तो उस पर अभी पोस्टें वो स्टॉप हो गई, ठीक है। मेन जो है कि पोस्टें इसमें कौन सी भरी जाएंगी, तो इसमें जो पोस्टें वो भरी जाएंगी फेडर, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फेडर, जूनियर इंजीनियर और सर्वेयर जैसे जितनी पोस्टें थी वो इसमें सभी भरी जाएंगी आईपीएस में। हालांकि पोस्टें आउटसोर्स पर होगी, दो वीडियो में पहले आपको जानकारी दे चुका हूँ इस चैनल के जरिए, और बाकी वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से भरी जाएंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिनको और आईपीएस के मिनिस्टर जो है महेंद्र सिंह ठाकुर, उनके द्वारा मांग की गई थी कि उनको 4 से 5 हज़ार वैकेंसी की ज़रूरत है आईपीएस डिपार्टमेंट में।
अभी जो अनिल कांची थे, एक आपको पता होगा, उनके द्वारा सीएम को उन्होंने मांग की, महेंद्र सिंह ठाकुर ने, और उनके द्वारा फिर जो हमारे सीएम उनको उन्होंने कहा महेंद्र सिंह ठाकुर को, आईपीएस मिनिस्टर को, कि आप जो वित्त सचिव हैं उनसे बात करिएगा, अनिल खांची जो थे जिनकी बात मैं कर रहा था। अभी आप चेक कर लेना कि कौन है, ठीक है, हो सकता है अभी चेंज हो गए क्योंकि मैंने अभी तक नोट नहीं किया उनके बारे में, हालांकि जहाँ तक मुझे लग रहा वही थे। और उनसे बात करें तो उन्होंने उनको भरने के लिए कुछ आश्वासन दिया था, तो ये भी इसमें ऐड में कर रहा हूँ, ठीक है। आप न्यूज़ के लिए, आप चाहे न्यूज़ जो चैनल्स है या फिर जितने भी वर्ल्ड पेपर हैं उन पर भी ये जानकारी ले सकते हैं, जो इस प्रकार के दी जाती जानकारी। अगली बात करेंगे हमीरपुर चयन बोर्ड की, ये स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी ये भरी जानी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको कुछ दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले इसकी जानकारी दी है कि ये वैकेंसी 264 जो वैकेंसी थी वो भरी जा रही है। तो उस पर मैं आपको बता दूँ कि जो वैकेंसी वो भरी जा रही है वो अलग है, ये इनका सिलेक्शन होगा, वो इंटरव्यू के द्वारा रखे जाएंगे, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें होगी और इसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वैकेंसी भरी जाएंगी। क्वालिफिकेशन प्लस टू पास विद साइंस होनी चाहिए इसमें, और नर्सिंग जीएनएम और बीएससी या फिर जो भी एएनएम वगैरह इसमें मांगे गए वो हम आपको उस टाइम बता देंगे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे। आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद और जानकारी देने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आचार संहिता तक अब कोई वैकेंसी निकलेगी नहीं और आचार संहिता के बाद फिर कोई घोषणा होगी, तो घोषणा बहुत सी पोस्टें हैं जो अभी हमने आपको बताई, जो जैसे पटवारी का जिक्र किया मैंने इसमें, तो पटवारी की जो पोस्ट थी इनको भरने के लिए भी अनुमति दे दी गई। आपको पता होगा कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय ले लिया गया, तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जाएंगी। और इन पोस्टों को भी भरने के लिए स्टाफ नर्स के लिए अभी हाईकोर्ट की सरकार को क्या कहा गया आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइनमैन, जेई, वेरियस जो वैकेंसीज में भरी जाएंगी। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक छोटा सा आपको, कि अभी एक फोरमैन मिले मुझे, मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है लाइन में, आपकी प्रॉब्लम आती रहती है तो क्या करना चाहिए। तो 70 से 80 किलोमीटर की मतलब दूरी पर 2 से 4 लाइनमैन वहाँ पर लगे हुए ड्यूटी पर। आप ये इससे बात से हिसाब लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चल रहा है। अभी जो 85 आई थिंक उतने जो सिलेक्शन हुआ है लाइनमैन का, उसके बाद भी वो उस पर भी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ उनको सेट करेंगे। हिमाचल में बहुत सी ऐसे गांव हैं या लाइन वगैरह, तो आपको पता होगी, पूरी जानकारी आपको होगी जो इसकी तैयारी कर रही। तो इस प्रकार का ये वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी, ज़रूरत पड़ेगी तब, ठीक है, ज़रूरत बहुत है, पर सरकार अब भरती है कि नहीं वो आपको देखना है, परंतु जहाँ तक मैंने पता किया था कि ये वैकेंसी भरी जानी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, नाम सुना होगा आपने, गोविंद सिंह ठाकुर घोषणा की थी उन्होंने, और साथ में वो उनको कुछ परसेंट जो भत्ता वगैरह दिया था हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फॉरेस्ट गार्ड की तो भर्ती अभी 121 पोस्ट है अभी भरी जा रही है, जिनका अभी रिटर्न हुई है 21 अप्रैल को, तो वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, और ये है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मीन्स कि निगम टाइप एक, और डिपार्टमेंट आपको पता है क्या, इसमें जो जैसे वनों में लकड़ी वगैरह काटी जाती है, ठीक है, या कुछ भी डिपो आर आर वगैरह आपने नाम सुना होगा, जो लकड़ियों के आर आर वगैरह होते हैं वो सब कुछ काम इनके द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें ये आर आर मैन की वैकेंसी निकलेगी और बहुत सी वैकेंसी इसमें निकलेगी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में। तो 70 से ज़्यादा पदों को भरने की घोषणा पहले की गई थी, बुक वगैरह सब कुछ उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या कॉरपोरेशन हो भरे जाने हैं। अब कब भरे जाते हैं वो देखने वाली बात है। क्वालिफिकेशन 8th 10th प्लस 2 पास चाहिए, और जो पहले सिलेक्शन हुआ था 2000 जब वीरभद्र की सरकार थी जब उसमें सिलेक्शन हुआ था, तो 8th और 10th पास भी जो लोग थे उनका भी उसमें सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। वार्षिक भर्ती हमीरपुर चयन बोर्ड में आपको पता होगा साल में एक भर्ती होती है सबसे बड़ी, तो उसमें बहुत सी पोस्टें, इस बार 700 से ज़्यादा पोस्टें जो भरी जाएगी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, JBT, TGT, अन्य पद जितने भी है, और हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सरकार से कई बार वो पूछ चुके हैं कि जितनी वैकेंसी 22 लाख से ज़्यादा जो भारत में वैकेंसी खाली पड़ी हुई है तो वो कब तक आप भर सकते हैं। तो सरकार का जवाब था कि 2022 से पहले पहले हम इनको भर देंगे,
तो उसके चलते भी, और हिमाचल की बात कर रहा हूँ साथ में, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है डेली निकल रही है, परंतु आपको पता है कि डायरेक्ट उसमें होती है एसएससी की एक भर्ती करवाने में 4 साल लग जाती है, यह भी हकीकत है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी भरी जानी है। उसके बाद अगली बात करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग है और आप सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं मुझे पता है, पंचायती राज विभाग इसमें जो पोस्टें थी इनको भरने की जो पोस्टें भरी जानी इसमें, इसको लेकर आप बहुत ही एक्साइटेड है कि ये पोस्ट कब निकलेगी। पोस्ट का नियम क्या, नाम क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पदों की संख्या 200 बताई जा रही थी, परंतु इसमें 250 किया है क्योंकि बहुत समय से मांग है कि पंचायत सहायक या पंचायत जो सचिव है उनकी ज़रूरत है। तो क्वालिफिकेशन इसके प्लस टू पास हो गए, पंचायत सचिव का ये नाम होगा पोस्ट का नाम, और क्वालिफिकेशन क्योंकि पंचायत सहायक का टाइटल था इसमें, तो अभी जैसे जैसे नई सरकार बनी तो इनका जो टाइटल था वो पंचायत सचिव करने की बात कही गई थी कि पंचायत सहायक का अब टाइटल पंचायत सचिव होगा। तो इसमें इस प्रकार की जानकारी बताई गई थी, ठीक है। तो ये पोस्ट है भरी जानी और बहुत टाइम से सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी भरी जानी है, तो पंचायत सहायक की ये पोस्ट है भरी जाएंगी, उसको लेकर क्या क्या करती है वो आपको देखने वाली बात है। और पोस्टों की संख्या 200 से ज़्यादा ये भरी जाएंगे। तो अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स की वार्षिक भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दी, बहुत सी पोस्ट इसमें सब इंस्पेक्टर वगैरह की भी हो सकते हैं कि भरी जाएँ, इस प्रकार से ये पोस्ट है भरी जाएंगी हमीरपुर बोर्ड द्वारा। अब जो लाइब्रेरी असिस्टेंट जेबीटी टीजीटी या अन्य पद जो इनको मैंने इसलिए एग्जांपल में दिया है क्योंकि हर बार यही जो मुद्दा होता है और यही जो वैकेंसी होता है ज़्यादातर ये भरी जाती है। अभी कन्फर्म नहीं है इसमें हमीरपुर चयन बोर्ड में, अभी सरकार या जो विभाग है वो रिक्वायरमेंट देंगे कि हमें इस पोस्ट डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट की ज़रूरत है, सरकार को प्रपोजल जाएगा, उसके बाद सरकार जो कैबिनेट डिसाइड करेगा कि कितनी पोस्ट है कौन सी डिपार्टमेंट में हम इजाज़त दे सकते हैं, उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट फिर हमीरपुर चयन बोर्ड को जाएगी, हमीरपुर चयन बोर्ड फिर विज्ञप्ति या विज्ञापन जारी करेगा एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद आप भरोगे और उसके बाद फिर मैं आपको सूचना दूंगा इस चैनल के जरिए कि ये पोस्टें भरी जानी है। तो ये थी जानकारी हिम तक के इस यूट्यूब चैनल की स्पेशल पेशकश आपके लिए अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स हिमाचल प्रदेश 2019 की। आशा करता हूँ आप जानकारी से संतुष्ट होंगे और जो भी आपको कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने, नमस्कार, दीजिएगा ज़्यादा धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।